नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में एक मैंने वीडियो शेयर किया था बैंक पेंशन अपडेशन, और उस बारे में न्यूज़ थी कि 5 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में ये उम्मीद है कि पेंशन अपडेशन होने की पूरी संभावना है। और उस न्यूज़ के क्रम में श्री डीएस मूर्ति साहब, जो पेंशन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक मैसेज और शेयर किया, नॉट फेक बट ए बेयर फैक्ट इनडीड। आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम माय पावर नैप 16.09 आवर्स, आफ्टर माय मिड डे मील जस्ट ए फ्यू मिनट्स एगो, आई नोटिस्ड 2 मिस कॉल्स, वन एट 15.01 आवर्स फ्रॉम माई फ्रेंड मिस्टर, जो नाम नहीं लिखा हुआ है, वन ऑफ द कोर कमिटी मेंबर्स ऑफ द GOP फ्रॉम चेन्नई। GOP मतलब ग्रुप ऑफ पेंशनर्स फ्रॉम चेन्नई। द जिस्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन इज नरेटेड एज फॉलोज। टू कोर कमिटी मेंबर्स ऑफ द GOP फ्रॉम हैदराबाद मेट FM श्रीमती निर्मला सीतारमन डे बिफोर स्टडे, यानी कि 17 जून 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट इन MC सिंगलास केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया DFS इज डायरेक्टली इंटर्ड इनटू द सीन टू मॉनिटर द केस इंडिपेंडेंटली इवन विदाउट इन्वॉल्विंग द IBA। केस विल बी फाइनलाइज्ड अराउंड 2nd week of July 2024 in Supreme Court of India. This is followed by DSC case during 1st week of August 2024, Delhi High Court case. Apart from the above, my friend also shared certain confidential information which cannot be made public at this juncture, in all fairness on my part. Friends, ये मैसेज शेयर किया है श्री डीएस मूर्ति साहब ने, और इस कन्वर्सेशन से ये पता चल रहा है कि जरूर कुछ न कुछ तथ्य है इस बात में कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस जुलाई के 1st-2nd week में जब भी लगेगा तो कुछ ऐसे होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि उनकी इस बात से कि डायरेक्ट DFS इसको मॉनिटर कर रहा है, इसमें IBA का भी कोई रोल इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है, सो ऐसी उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ बैंक पेंशनर के फेवर में, पेंशन अपडेशन के फेवर में कुछ ना कुछ होने की संभावना है। हम वेट एंड वॉच किए करते हैं, और कोई भी डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।